कि मोह करना बिल्कुल व्यर्थ है। एक सुनार जी थे, समय का परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे वृद्धावस्था आई, बीमार पड़ गए। धीरे धीरे कुछ महीने गुजर गए, बाजार भी नहीं जा पाए। सुनार थे, दो तीन महीने जब गुजर गए तो उनको ये भी नहीं पता चला कि सोने का क्या भाव चल रहा है। आज धीरे धीरे अंत समय आता है और बीमारी जो है तेज पकड़ लेती है। आज उनके लड़कों ने डॉक्टर को बुलवाया, डॉक्टर साहब आए। जैसे ही डॉक्टर साहब ने चेक किया तो पता चला कि उनके जो है बुखार आ गया है, अब वो भी 108 109 डिग्री के ऊपर। धीरे धीरे शरीर काम करना बंद कर रहा है। आज सुनार जी समझ जाते हैं कि सोने का भाव हो सकता हो। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आपके जो है 108-109 डिग्री सेंटीग्रेड बुखार है, लेकिन उनके समझ में आ रहा है कि सोने का भाव 108-109 रुपए है। आज अपने पुत्रों से कहने लगते हैं कि जितना भी सोना रखा हुआ है वह सब 108-109 रुपए में बेच दीजिए, क्योंकि सोने का भाव यही चल रहा है। धीरे धीरे इसी प्रकार से वो बोलते बोलते उनका मन जो था वो सोने में ही रखा हुआ था, धीरे धीरे प्राण त्याग देते हैं। सुनार का पूरा जीवन सोना खरीदने और बेचने में ही व्यतीत हो गया। अंत काल में भी वही स्थिति आई कि भगवान का पावन नाम उच्चारण करना तो दूर, उनका मन केवल जो है उस सोने में ही रखा रह गया। इसीलिए गोस्वामी बाबा कहते हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला। पूज्य महाराज श्री के भजनों एवं कथाओं को सुनने के लिए महाराज जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। जय जय श्री राधे।